जन्मोत्सव पर गीता पाठ करा के कानपुर नगर में एक अनोखी पहल की शुरुआत। घर घर गीता संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। कानपुर नगर में प्रसिद्ध समाज सेवी बलराम सिंह ने अपने जुड़वा बच्चों के जन्मोत्सव पर अपने निवास स्थान पर सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी महाराज व अशोक तिवारी व रविकांत तिवारी ने गीता स्वाध्याय का पाठ करके एक पहल की शुरुआत किया। इस बाबत सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि बलराम सिंह ने आज अपने बच्चों के अवतरण दिवस पर गीता पाठ करा के एक अच्छी पहल की शुरुआत किया। आज का नवयुवक भारतीय संस्कृति को भूलता जा रहा है। गीता स्वाध्याय पाठ का संकल्प लेना चाहिए। हर हिंदू परिवार के मुखिया को अपने घर में गीता का एक श्लोक की शुरुआत करनी चाहिए। रविकांत तिवारी ने गीता के 5 श्लोक आम जनमानस के साथ पढ़कर एक नया संदेश कानपुर की जनमानस को दिया। सभी लोगों ने गीता के 5 श्लोकों को एक साथ पढ़कर एक अनोखी पहल की शुरुआत किया। दादी ने दोनों बच्चों को टीका व माल्यार्पण कर लंबी उम्र की कामना किया। कार्यक्रम संयोजक व समाज सेवी बलराम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गीता महोत्सव की टीम ने अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्मोत्सव पर गीता पाठ सक... जो हो रहे हमारे यहाँ परिवार में कौन से कार्यक्रम होते हैं, मतलब इसका ये था कि ये गीता जयंती का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो ये हुआ जब तक हमारी महिला, जब तक हमारे बच्चे, जब तक हमारे परिवार, उन तक ये बात नहीं पहुँचेगी तो इसका हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोशिश करिए ना सालों से कर रहे हैं। तो ये विचार हुआ कैसे हो, तो बोले सबसे ज्यादा हमारे जन्मोत्सव मनाए जाते हैं परिवार में और केक काटे जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है। जो हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, जैसा महाराज जी ने बताया। तो फिर ये तय हुआ कैसे हो, तो बोले कि इसको हमें दूसरे रूप में करना पड़ेगा, हमें बच्चों को करना पड़ेगा। जैसे बच्चे हमारे यहाँ आज जन्मदिन था, तो हमने कहा हमारे यहाँ जन्मदिन है 2 दिन बाद, आप सब लोग हमारे यहाँ बता रहे। उसकी ये पहल है और महाराज जी का आगमन हुआ, महाराज जी ने संदेश दिया है। तो मैं सोचता हूँ ये जो आज महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, इस पहल को हम लोगों को बड़े दूर तक ले जाना है। ये आज किसी का मुद्दा था और बाकी जो